Hello, students. Hope all of you had a very safe and a very healthy and a very happy Diwali. As you all know, Eureka is starting with the prelim exams from 6th of November. And I hope your preparation for the prelims is going on in a very healthy and proper manner. Today's session is basically about how to prepare for the prelim exams and how to prepare for the board exams. Now, this year, as you all know, the board exams will be slightly earlier. Most probably, the board exams should start from the last week of November. Mostly, board exams March mein hote hain, but is saal almost 12 to 15 days pehle honge. So, अब अगर हम आज से गिने तो वी हैव अप्रोक्सीमेटली 100 days फॉर प्रिपेयरिंग फॉर आर बोर्ड एग्जाम्स विच आर गोइंग टू स्टार्ट इन फेब्रुअरी 2025। अब ये 100 days आप लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू विल वर्क प्रॉपरली will really make sure that you manage your time well, make sure that you do not waste your time and focus. Focus, पूरा ध्यान, पूरा concentration, पूरी energy इस board exam पे लगानी है. अगर आपने ये 100 days अच्छे से utilize किए अपने board की preparation के लिए, तो आपके board exams will definitely be absolutely stunning. तो let me share with you a few important points about these board exams, how to prepare for them, and what we can do in for these board exams. So, as I was telling you, your SSC 2025 board exams, we have approximately 100 days. And if you really want to score, जो भी आपने गोल बनाया है, जो भी आपने टारगेट सेट किया है, अगर वो गोल और वो टारगेट अचीव करना है तो ये 100 days आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस सी अ फ्यू प्रिपरेशन टिप्स हाउ वी कैन वर्क ऑन व्हाट वी कैन वर्क ऑन. सबसे पहले, जैसे मैंने हर बार मैंने क्लास में जब भी आया हूं आप लोगों के साथ, हमने हर बार यही डिस्कस किया है कि यू शुड हैव अ स्टडी प्लान. सी, अनलेस एंड अंटिल यू हैव अ प्लान कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, unless and until you have a plan and a written plan, it is very difficult to cover the entire syllabus. तो अभी आप लोगों को सिलेबस ही कवर नहीं करना है, सिलेबस कवर करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस, तीनों का एक स्टडी प्लान बनाना है. स्टडी प्लान आप कैसे बना सकते हैं? तो यू कैन मेक अ स्मॉल नोटबुक, डिवाइड दैट नोटबुक इनटू 9 पार्ट्स. 9 पार्ट्स में उस नोटबुक को डिवाइड कीजिए, हर एक पार्ट पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट. जैसे अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो वो साइंस के जो भी चैप्टर्स हैं आप वो नोटबुक के साइंस वाले नोटबुक के पार्ट में आप लिख दीजिए सारे चैप्टर्स के नाम और उन चैप्टर्स में आपको क्या क्या स्टडी करना है. जैसे आपको अगर टेक्स्ट बुक रीड करना है, बोर्ड के क्वेश्चंस तैयारी करनी है, आपको एक्स्ट्रा इम्पोर्ट टेक्सुअल क्वेश्चंस लर्न करने हैं, आपको न्यूमेरिकल्स का रिटर्न प्रैक्टिस करना है, आपको डायग्राम, तो वो सारी चीजें आप लिख के रख लीजिए कि हर चैप्टर में मुझे आपको क्या क्या करना है. और जैसे जैसे वो कंप्लीट होगा, जैसे हर चैप्टर में आपको टेक्स्ट बुक रीड करना है, हर चैप्टर में आपको बोर्ड के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, हर चैप्टर के आपको सारे टेक्सुअल क्वेश्चंस लर्न करने हैं, अगर उस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं तो वो प्रैक्टिस करने हैं, अगर उस चैप्टर में डायग्राम्स हैं तो वो प्रैक्टिस करने हैं, तो आप वो लिख के रख दीजिए और उसको टिक कीजिए कि ये मैंने कर लिया है, और अगर करना बाकी है तो उसको लिख के रखिए. सी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपका लिखा हुआ रहेगा, जैसे नोटबुक में आपका लिखा हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है, तो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे. अच्छा, जो जो भी आप पढ़ेंगे उसको अच्छे से रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है, तो आप वहां पे लिख के रखेंगे कि ये सब मेरा पढ़ के हो गया है, इस चीज की रिवीजन हो गई है, इस चैप्टर की रिवीजन पेंडिंग है. तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपका स्टडी प्लान एक क्रिएट हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है. अच्छा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में जो भी आप यहाँ पे क्लासेस में प्रीलिम्स देंगे, डेफिनेटली वो प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रीलिम्स की क्लासेस के प्रीलिम्स की प्रैक्टिस, स्कूल में जो प्रीलिम के पेपर्स होंगे उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करना जरूरी है. तो क्लासेस में आप प्रीलिम के पेपर्स देंगे, आप स्कूल में प्रीलिम के पेपर्स देंगे, और कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स, कुछ
कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैथ्स के कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं, साइंस के कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स आप घर पे सॉल्व कर सकते हैं, और लैंग्वेज के, जैसे आपको लग रहा है कि आपको इंग्लिश में थोड़ा और इंप्रूव करना है तो उसके आपने एक दो पेपर और एक्स्ट्रा सॉल्व कर लिए घर पे, आपको लग रहा है कि हिंदी इंप्रूव करना है तो हिंदी के आपने कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स घर पे सॉल्व कर लिए, तो ये एक्स्ट्रा पेपर्स जो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। देखिए क्लासेस में तो आप प्रीलियम्स देंगे, स्कूल में भी आपका प्रीलियम्स होगा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने मैथ्स में कुछ एक्स्ट्रा पेपर सॉल्व कर लिए, साइंस में कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स आप सॉल्व करेंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे मैंने कहा पुराने जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रखिएगा कि उसकी प्रिपरेशन अच्छे से हो रही है। देखिए बोर्ड में अगर कोई क्वेश्चंस आए हैं तो डेफिनेटली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको एक फ्लो तैयार करना है। जैसे आप पहले बोर्ड के क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे, फिर आप टेक्सचुअल क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे, तो इस तरह से आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। प्रीलिम्स, जैसे मैंने कहा कि स्कूल के और क्लासेस के और घर पे तीन जगह पे आप प्रीलिम्स लिख सकते हैं, तो टोटल मिला के कम से कम आपको हर सब्जेक्ट के चार प्रीलिम्स लिखने हैं, ये आपको टारगेट रखना है। जैसे आपने अगर तीन क्लासेस के प्रीलिम्स है एक स्कूल का लिख लिया, या फिर दो क्लासेस के प्रीलिम्स दे दिए दो स्कूल के प्रीलिम्स, अच्छे से प्रिपरेशन करके मिनिमम हर सब्जेक्ट के चार प्रीलिम्स लिखने हैं क्लासेस में और स्कूल में। इसके अलावा जैसे मैंने कहा आप कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, स्पेशली मैथ्स के साइंस के। अच्छा ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अभी कोई भी नया स्टडी मटेरियल से स्टडी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे जैसे पूरा साल अभी आपने क्लासेस के नोट्स में से पढ़ा है, स्मार्ट नोट्स में से पढ़ा है या डाइजेस्ट से पढ़ा है, तो उसी को अच्छे से रिवाइज करना है लास्ट मोमेंट पे आने के बाद। अभी आपको कोई नया नोट्स रेफर नहीं करना है, नए नोट्स कहीं से भी रेफर नहीं करने हैं, जो आपने जिस नोट्स से आपने पढ़ाई की है उसी नोट्स में से आप उसको अच्छे से रिविजन कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइम मैनेजमेंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम। देखिए 100 डेज बहुत ही कम होते हैं और इन 100 डेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से अभी सारे फेस्टिवल्स हो गए तो अभी आप अपना पूरा ध्यान स्टडीज पे लगा सकते हैं, प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेजॉरिटी बच्चों का टाइम वेस्ट मोबाइल में होता है, प्लीज आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करें, हो सके तो बोर्ड एग्जाम तक मोबाइल टेलीविजन से दूर रहिए। देखिए अगर आपका ध्यान पढ़ाई पे रहेगा तो उसका आउटपुट ज्यादा बेटर आएगा, अगर आप हर जगह पे आप अगर आपका ध्यान कभी टीवी में जा रहा है, कभी दोस्तों में, कभी मोबाइल में, तो आपकी स्टडीज उतनी इफेक्टिवली नहीं है और टाइम वेस्ट अलग से होगा। तो प्लीज देखिए थोड़ा सा ही टाइम है, इस टाइम को अच्छे से प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, प्लीज थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छा अब हम कुछ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज पे आते हैं कि स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स में क्या क्या कर सकते हैं। ये मैथ्स का पेपर पैटर्न है, अभी तक आप लोग सबको पता चल गया रहेगा कि किस तरह का पेपर पैटर्न होता है मैथ्स में। अब मैथ्स में अगर आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे लाइक लास्ट मोमेंट पे आने के बाद उनको ऐसा लगता है कि नॉन टेक्सुअल क्वेश्चन करने, नॉन टेक्सुअल मतलब आउट ऑफ टेक्स्ट बुक, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो 29 मार्क्स, 29 मार्क्स एमसीक्यूज है, 1 मार्क है, 2 मार्क है, 29 मार्क्स के जो सम्स हैं वो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के आते हैं। अब अगर आप इन क्वेश्चंस को, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क के क्वेश्चंस को भी अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से, तो डेफिनेटली आप मैथ्स में, अलजेब्रा, ज्योमेट्री दोनों में आराम से 75% स्कोर कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि लास्ट में जो 100 डेज है उसमें बहुत सारे नॉन टेक्सुअल क्वेश्चंस, मतलब बाहर के क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए बाहर के क्वेश्चंस इवन इफ यू सॉल्व 100 क्वेश्चंस आपको नहीं पता कि उसमें से कोई क्वेश्चन बोर्ड में आएगा या नहीं आएगा, तो ये कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा वो गेस करना इम्पॉसिबल है। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगा कि आप टेक्सुअल क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप पहले एमसीक्यूज जो है वो डाइजेस्ट से, स्कूल के पेपर से, क्लासेस के पेपर से, सारे एमसीक्यूज, 1 मार्क के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप एक फॉर्मूला लिस्ट बनाइए अलजेब्रा ज्योमेट्री में, और वो फॉर्मूला लिस्ट एवरी अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के एक दिन, प्लीज घर पे उसको लर्न कीजिए और एटलीस्ट 1 टाइम प्रैक्टिस कीजिए एवरी अल्टरनेट डे। इसके अलावा
यहां से मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन बैंक, इंपॉर्टेंट सम्स के क्वेश्चन बैंक। अगर हो सके तो ये पूरा क्वेश्चन बैंक के जितने सम्स हैं ये सारे सम्स प्लीज घर पे बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, इसमें से अगर आपको कोई सम में डिफिकल्टी लग रही है, कोई सम नहीं आ रहा है, तो प्लीज क्लासेस के रिविजन लेक्चर्स में, डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स में वो सम्स के बारे में आप पूछ सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, टीचर्स से बोल सकते हैं, सीवाईडी में लिख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के टेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है वो प्रैक्टिस करने के बाद 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के जो सम्स है कहाँ से, जैसे डाइजेस्ट क्वेश्चन पेपर्स में, क्लासेस के क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रिलियम के पेपर्स हैं, स्कूल के, क्लासेस के, बोर्ड के इंपॉर्टेंट 1 2 3 मार्क के क्वेश्चन हैं, वो आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं। एक बार आपके 29 मार्क्स अच्छे से कवर हो गए, फिर मैं आपको 4 मार्क के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन दूंगा। 4 मार्क के जो इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन है, वन ध्यान से सुनिएगा, पहले 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। वो होने के बाद 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने के बाद फिर 4 मार्क के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, इस ऑर्डर में। 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के साथ में आपको बोर्ड के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के। क्लासेस के पेपर्स में जो 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन आए हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। स्कूल के पेपर्स में जो 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के सम्स आए हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। ये सारे अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद ही आप 4 मार्क के क्वेश्चन पे जाएंगे। फिर 4 मार्क के क्वेश्चन में भी वैसे ही, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करेंगे, फिर बोर्ड के क्वेश्चंस, फिर स्कूल के पेपर्स और क्लासेस के पेपर्स। अच्छा, उस ये सब अच्छे से हो जाने के बाद आप टेक्सचुअल सम्स, रिमेनिंग टेक्सचुअल सम्स आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो जो सम्स आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप टेक्स्ट बुक पे मार्क करते जाइए कि ये सम्स हो गए हैं मेरे प्रैक्टिस करके, वो सब हो जाने के बाद रिमेनिंग सम्स प्रैक्टिस करने हैं। और ये सारी पूरा टेक्स्ट बुक अच्छे से सॉल्व करने के बाद ही यू विल गो फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन। चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको कहां से करने हैं, फेज वन का चैलेंजिंग क्वेश्चन जो क्लासेस से दिए हैं वो करना है, क्लासेस के प्रीलिम के पेपर्स में जो चैलेंजिंग क्वेश्चन आए हैं वो करने हैं, स्कूल के प्रीलिम के पेपर्स में जो चैलेंजिंग क्वेश्चन आए हैं वो करने हैं, और बोर्ड के पेपर्स में जो चैलेंजिंग क्वेश्चन आए वो करने हैं। तो देखिए, इस तरह से आप अपनी तैयारी कंप्लीट करेंगे। आप शुरू कहां से करेंगे, पहले आपने एमसीक्यू सारे प्रैक्टिस कर लिए, फॉर्मूला सारे प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, फिर आप सारे 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चंस स्कूल के पेपर्स से, क्लासेस के पेपर्स से, प्रीलिम के पेपर्स से और बोर्ड के पेपर्स से प्रैक्टिस करेंगे। वो सब हो जाने के बाद ही आप 4 मार्क के सम्स पाएंगे। 4 मार्क के सम्स इंपॉर्टेंट वाले प्रैक्टिस करेंगे, फिर क्लासेस के पेपर्स, स्कूल के पेपर्स और बोर्ड के पेपर्स, और फिर आप सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये सब हो जाने के बाद ही आप चैलेंजिंग क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपने टेक्सचुअल सम्स अच्छे से कर लिया तो चैलेंजिंग क्वेश्चंस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम इन द बोर्ड, डोंट वरी। लेकिन अगर आपको टेक्सचुअल सम्स बराबर नहीं आ रहे हैं और आप पहले चैलेंजिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ करेक्ट स्ट्रैटेजी। तो यू फर्स्ट फोकस ऑन टेक्सचुअल क्वेश्चंस, बोर्ड क्वेश्चंस, स्कूल के प्रीलिम के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पेपर्स, क्लासेस के पेपर्स, वो सब अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद देन यू कैन गो एंड ऑन एंड प्रैक्टिस चैलेंजिंग क्वेश्चंस फ्रॉम फेज वन एंड सो ऑन। ओके, चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको हॉट्स में से 21 सेट से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 21 सेट अल्जेब्रा ज्योमेट्री का 21 सेट आप या तो बाहर से खरीद सकते हैं या तो क्लासेस में अवेलेबल है, आप उसमें से चैलेंजिंग क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ यू हैव डन, मतलब अगर आपके ये सारे प्रैक्टिस हो चुके हैं, देन यू कैन गो फॉर 21 सेट के हॉट्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, राइट? ओके, देन वी कम ऑन टू साइंस। साइंस का भी पेपर पैटर्न अगर आप देखें तो देखिए, 40 में से 10 मार्क के, यू कैन सी 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत अच्छे से करने हैं। कहाँ से करने हैं ऑब्जेक्टिव्स? आप टेक्सुअल ऑब्जेक्टिव्स कर लीजिए बराबर अच्छे से, बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव्स आए हैं वो अच्छे से कर लीजिए, क्लासेस में जो नोट्स हैं, नोट्स में जो मैंने ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो आप अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद क्लासेस के पेपर्स में जो ऑब्जेक्टिव्स आए हैं, स्कूल के पेपर में जो ऑब्जेक्टिव्स आए हैं वो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। तो आपको ऑब्जेक्टिव्स 10 मार्क्स में इजिली आपको 10 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे कि एक एक करके आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। जैसे आप गिव रीजंस आप सारे प्रिपेयर कर लीजिए, फिर छोटे छोटे 2 मार्क के क्वेश्चंस, फिर 5 मार्क के क्वेश्चंस, इस तरह से। तो साइंस में पहले तो आपको रिमेनिंग चैप्टर्स पढ़ने हैं। देखिए, अभी आपने सेमेस्टर एग्जाम दिया रहेगा स्कूल का,
सेमेस्टर एग्जाम में साइंस वन में मेरे ख्याल से 7 to 8 चैप्टर्स थे, आपने सब जो 7 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, तो अभी अभी आपके 2 या 3 चैप्टर पढ़ने बाकी होंगे। तो पहले प्रीलिम में आप कोशिश कीजिए कि जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे आपने 8 चैप्टर्स अगर स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़े थे, तो 2 जो चैप्टर बच गए या 3 चैप्टर जो बच गए हैं पहले वो कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हो सके तो जितना पॉसिबल है रिविजन कीजिए, जो जितने चैप्टर्स का रिविजन आप कर सकते हैं। समझिए आपने 3 चैप्टर नए कर लिए और 3 चैप्टर पुराना रिविजन कर लिया, तो 6 चैप्टर आपके तैयार हो गए। फिर अगले प्रीलिम में आप सारे चैप्टर्स के एक साथ रिविजन कर सकते हैं। इन चैप्टर्स में भी आप पहले बोर्ड क्वेश्चंस, एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कीजिए, टेक्सचुअल क्वेश्चंस। पहले आप बोर्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एक्टिविटी क्वेश्चंस, नोट्स में मार्क किया हुआ है बोर्ड क्वेश्चंस, कौन से साल में कौन से बोर्ड के क्वेश्चंस आए हैं, प्रैक्टिस एक्टिविटी क्वेश्चन कौन से, वो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए सारे चैप्टर्स की। अच्छा, ये सब हो जाने के बाद आप टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर लीजिए अच्छे से, सारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस। इसमें बोर्ड में जो केमिकल रिएक्शन आए हैं उसका रिटर्न प्रैक्टिस कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में आए हैं उसका रिटर्न प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, डायग्राम्स जो आए हैं उसका रिटर्न प्रैक्टिस कर लीजिए, टेक्सचुअल डायग्राम्स, बोर्ड के डायग्राम्स एकदम अच्छे से कर लीजिए। ये हो जाने के बाद क्लासेस के पेपर, जो क्लासेस के प्रीलिम के पेपर्स हैं, स्कूल के प्रीलिम के पेपर्स हैं, उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आप अच्छे से प्रैक्टिस रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। फिर ये सब हो जाने के बाद आप सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन। तो देखिए ये ऑर्डर होना चाहिए जनरली, कि आप पहले पहले जो चैप्टर्स रिमेनिंग है वो कंप्लीट करेंगे, फिर जितने चैप्टर्स आप रिवाइज कर सकते हैं, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, जितने आप रिवाइज कर सकते हैं वो अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद आप बोर्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एक्टिविटी क्वेश्चंस, सारे चैप्टर्स के बोर्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस एक्टिविटी क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। वो हो जाने के बाद आप बोर्ड में जो केमिकल रिएक्शंस आए हैं, न्यूमेरिकल्स आए हैं, डायग्राम्स आए, टेक्सचुअल डायग्राम्स है, बोर्ड के जो डायग्राम्स है उसका प्रैक्टिस करेंगे आप। वो सारी चीजें हो जाने के बाद आप क्लासेस के पेपर्स में से, स्कूल के पेपर्स में से जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस, वो सब अच्छे से रिवाइज करेंगे। फिर आप सारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे, और ये सब हो जाने के बाद आप एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट्स में से पढ़ सकते हैं। तो ये ऑर्डर रहना चाहिए, पहले आप सारे रिमेनिंग चैप्टर्स करने हैं, फिर सारे बोर्ड क्वेश्चंस करने हैं, फिर सारे केमिकल रिएक्शंस, न्यूमेरिकल्स, डायग्राम जो स्कूल के पेपर्स में, क्लासेस के पेपर्स में आए हैं वो करने हैं, जो बोर्ड में आए हैं वो करने हैं, जो टेक्सचुअल है वो करने हैं। उसके बाद सारे पेपर्स में से ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन, डायग्राम के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं, फिर सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करने हैं, ठीक है। और ये सब हो जाने के बाद ही आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो नोट्स में मार्क किए हैं, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप रिवाइज करेंगे। तो रिविजन कुछ इस तरह से होगी, बोर्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, डायग्राम्स, ऑल पेपर्स का रिवीजन, क्लासेस के पेपर्स, स्कूल के पेपर्स, एंड देन टेक्सचुअल क्वेश्चंस का रिवीजन, एंड देन एट द एंड एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन। इस ऑर्डर में ही करना, ठीक है। ये इंग्लिश का पेपर पैटर्न है। इंग्लिश के पेपर पैटर्न में भी अगर आप देखेंगे, पहले डूएस डायरेक्टेड है, पहले सिंपल क्वेश्चंस है, लैंग्वेज स्टडी है, लैंग्वेज स्टडी में कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ मीडियम क्वेश्चंस हैं, कुछ चैलेंजिंग हैं। तो आपका पहला फोकस सिंपल और मीडियम क्वेश्चंस पे होना चाहिए, एटलीस्ट आपको 8 मार्क्स इजिली कवर कर सकते हैं। चैलेंजिंग एक्टिविटीज, पहले आप सिंपल क्वेश्चंस वाले एक्टिविटीज कर लीजिए, मीडियम क्वेश्चन वाले एक्टिविटीज कहां से करने हैं, तो नोट्स में इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज किया है, नोट्स में स्टेप अप बुक में इंटीग्रेटेड एक्सरसाइजेस का एक पेज दिया है, उसमें से पूरा प्रैक्टिस कर रहा है। देखिए ये टेक्सुअल पैसेजेस विल बी 20 मार्क्स, ये 10 मार्क का ग्रामर है, टेक्सुअल पैसेजेस 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें अगेन यू विल फाइंड 4 मार्क्स का ग्रामर। पोएम सेक्शन विल बी 10 मार्क्स, जैसे आप लोगों को पता ही है, पोएम में 5 मार्क का पैसेज आएगा, 5 मार्क का एप्रिसिएशन आएगा, एक अनसीन पैसेज आएगा, और फिर राइटिंग स्किल्स है, बराबर है। अब इसमें प्रिपरेशन कहां से करना है, क्या क्या करना है, तो लैंग्वेज स्टडी कहां से करनी है, लैंग्वेज स्टडी स्टेप अप के बुक में से। स्टेप अप के बुक में सारे बोर्ड के जितने भी ग्रामर के क्वेश्चंस है वो सब उसमें है, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए इंटीग्रेटेड एक्सरसाइजेस दिए हैं, वो सारे इंटीग्रेटेड एक्सरसाइजेस, बोर्ड के जो एक्सरसाइज है वो सब अच्छे से प्रैक्टिस करना है, रिटर्न ओरल नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, रिटर्न करना है आप लोगों को। ये सब हो जाने के बाद स्कूल के पेपर्स और क्लासेस के पेपर्स में से आप सारी ग्रामर की स्टडी कर लीजिए, स्टडी इन द सेंस प्रैक्टिस कर लीजिए आप अच्छे से।
इसमें से आपको कोई टॉपिक नहीं समझा है तो आप उस ऐप में से, यूरेका क्लासेस के ऐप में से वो टॉपिक की रिविजन भी कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर्स। ये सब हो जाने के बाद आप राइटिंग स्किल्स पाएंगे। राइटिंग स्किल्स का फॉर्मेट देख लीजिए अच्छे से, स्टेप अप से। फॉर्मेट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी हो जाए फॉर्मेट में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेट अच्छे से हो जाने के बाद आप बोर्ड को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोर्ड के 3-4 टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद आप पोएम सेक्शन प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, पोएम सेक्शन सारा पूरा कंप्लीट पोएम सेक्शन, ठीक है? हो सके तो डाइजेस्ट में से सारे पोएम के पैसेजेस प्रैक्टिस कीजिए। प्रोज, ये सब हो जाने के बाद प्रोज, प्रोज आपको रिटन प्रैक्टिस नहीं करना है, प्रोज का रिटन प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको सिर्फ पैसेजेस रीड करने हैं और उसमें जो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, ग्रामर के क्वेश्चन है, उसी का सिर्फ रिटन प्रैक्टिस करना। अनसीन पैसेजेस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 2 या 3 समरी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। समरी राइटिंग कैसे लिखते हैं, 2 या 3 समरी राइटिंग प्रैक्टिस करनी। ओके, मराठी सेम, आप 14 मार्क्स आप 21 सेट से या डाइजेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर 14 मार्क के चैप्टर्स रहेंगे ये, आप 21 सेट अगर आप चाहिए तो आप मराठी का 21 सेट ले सकते हैं और उस 21 सेट में से चैप्टर के जितने पैसेजेस हैं सब प्रैक्टिस कर लेंगे। अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस नहीं करना है, अनसीन पैसेज का प्रैक्टिस नहीं करना है। पोएम सेक्शन विल बी 16 मार्क्स, ये पोएम सेक्शन आप या तो डाइजेस्ट से या तो 21 सेट से रिटन प्रैक्टिस करना है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? रैपिड रीडिंग 6 मार्क का रहेगा, इसमें आपको सिर्फ टेक्सुअल और बोर्ड क्वेश्चंस पढ़ने हैं अच्छे से। आप 3 चैप्टर 4 चैप्टर है रैपिड में, उसमें से 3 चैप्टर आप एकदम अच्छे से कीजिए रिटन प्रैक्टिस और 4th चैप्टर आप रिविजन कर सकते हैं। 16 मार्क्स का ग्रामर रहेगा, ग्रामर आप स्टेप अप से कंप्लीट, पूरा स्टेप अप, स्टेप अप में इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है, पूरा अच्छे से कीजिए। उसमें शब्द संपत्ति है वो पूरा अच्छे से कीजिए और हो सके तो 21 सेट से भी ग्रामर प्रैक्टिस कर लीजिए आप। राइटिंग स्किल्स फॉर्मेट देखना है, स्टेप अप से अच्छे से प्रैक्टिस करना है। लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है रिटन प्रैक्टिस, विज्ञापन की रिटन प्रैक्टिस करनी है, स्टोरी राइटिंग की रिटन प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे में वी विल फोकस ओनली ऑन आत्मकथा, सिर्फ आत्मकथा ही प्रैक्टिस करना है, बाकी कोई ऐसे प्रैक्टिस नहीं करना है। वी विल फोकस एंटायरली ऑन आत्मकथा, अच्छे से आत्मकथा प्रैक्टिस करेंगे। सेम हिंदी में भी आप पहले 16 मार्क्स का प्रैक्टिस जो है, 16 मार्क्स जो चैप्टर्स हैं वो आप 21 सेट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनसीन पैसेज इसमें प्रैक्टिस नहीं करना है। पोएम सेक्शन अगेन 12 मार्क्स का रहेगा, ये आप या तो 21 सेट या तो डाइजेस्ट से प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस करना है। ओके, रैपिड टेक्सुअल प्लस 21 सेट ये रिटन प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर स्टेप अप से करना है अच्छे से प्लस 21 सेट, राइटिंग स्किल्स 26 मार्क का रहेगा, इसमें आपको लेटर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, फॉर्मल फ्रेम क्वेश्चन 21 सेट से प्रैक्टिस करना है, विज्ञापन स्टोरी आप स्टेप अप से प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे में अगेन वी विल फोकस ओनली ऑन आत्मकथा, आत्मकथा आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। किस राइटिंग स्किल्स में, प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेट में मिस्टेक नहीं होगी, प्लीज मेक श्योर कि फॉर्मेट गलत नहीं हो रहा। तो ये आप देखिए, फिर आप जैसे जैसे पेपर्स होंगे आप उनको एनालाइज कीजिए, आप देखिए कि इंग्लिश का पेपर हुआ, हिंदी का पेपर हुआ, मराठी का, आप देखिए कि उसमें क्या मिस्टेक्स हुए हैं, और जो हमने नोटबुक बनाई थी अगर आपको याद होगा, जो हमने नोटबुक बनाई थी कि क्या क्या पढ़ के हो गया है, उस नोटबुक में, वही नोटबुक में आप लिखेंगे कि आपके क्या क्या मिस्टेक्स हुए हैं। मतलब आपका अगर पोएम में मार्क्स गया है, अगर आपका लेटर राइटिंग में मार्क्स गया है, एसे में मार्क्स गया है, तो वो आप लिख के रखिए और कोशिश कीजिए कि अगले प्रीलियम में उस चीज का और अच्छे से प्रैक्टिस करना। आप समझिए कि आपका शब्द संपत्ति गलत हुआ, तो कोशिश कीजिए कि अगले प्रीलियम में शब्द संपत्ति आप बहुत अच्छे से करके जा रहे हैं। आपका वाक् प्रचार गलत हुआ तो कोशिश कीजिए कि अगले प्रीलियम में आप वाक् प्रचार, लेकिन उस नोटबुक में आपको लिख के रखना है कि आपका फर्स्ट प्रीलियम में वाक् प्रचार गलत हुआ था, शब्द संपत्ति गलत हुआ था, लेटर राइटिंग में मार्क्स नहीं मिले थे, स्टोरी में मार्क्स नहीं मिले थे, विज्ञापन में मार्क्स नहीं मिले थे, जो जो जहां पे भी मार्क्स कटे आप लिख के रखिए ताकि आप अगले प्रीलियम में उसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। क्लियर है ये चीज? ओके, ज्योग्राफी में भी अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये आप डाइजेस्ट से प्रैक्टिस करेंगे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, पूरा का पूरा डाइजेस्ट
टेक्सुअल क्वेश्चन तो करने ही हैं, बोर्ड के क्वेश्चन भी करने हैं, और डाइजेस्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट सब जितने भी मैप है, फिलिंग है, ग्राफ है, वो सब अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर है ये चीज? अच्छा, फिर आपको लिखने के लिए ज्योग्राफी में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, एक ज्योग्राफिकल रीजंस आते हैं जो चार में से दो लिखने रहते हैं, और आंसर इन डिटेल आता है। ये आप टेक्सुअल और बोर्ड के अच्छे से कर सकते हैं, सिर्फ टेक्सुअल और बोर्ड अच्छे से करेंगे चलेगा, इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना। ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा करना, ऑब्जेक्टिव में पहले आप टेक्सुअल करेंगे, बोर्ड के करेंगे, फिर एक्स्ट्रा भी करेंगे। गिव रीजंस में और आंसर इन डिटेल में ओनली टेक्सुअल एंड बोर्ड, और कहां से करना है डाइजेस्ट, ये आप डाइजेस्ट से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ऑल बोर्ड क्वेश्चंस एंड टेक्सुअल क्वेश्चन, गिव रीजन और आंसर इन डिटेल में, और प्रैक्टिस बाकी सब आप डाइजेस्ट से प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हैं, ग्राफ है, मैप है, वो सब आप डाइजेस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल चैप्टर्स फ्रॉम डाइजेस्ट इंक्लूडिंग मैप, ग्राफ एक्सेट्रा। क्लियर? सेम गोज विथ हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी आप देखेंगे काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो हिस्ट्री में ये पॉलिटिकल साइंस में भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, हिस्ट्री में भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो पेपर पैटर्न तो आप लोगों को पता ही है। शॉर्ट नोट्स, गिव रीजन और ब्रीफ्स में वी विल फोकस ओनली ऑन बोर्ड एंड टेक्स्ट, मतलब जो बोर्ड और टेक्स्ट में है सिर्फ वही करने हैं, एक्स्ट्रा नहीं करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव्स आप बोर्ड के कीजिए पहले, पहले बोर्ड के, फिर आप टेक्स्ट कीजिए, फिर स्कूल के पेपर्स और क्लासेस के पेपर्स में से कीजिए, और अगर आपने ये सब अच्छे से कर लिया देन आप डाइजेस्ट में से एडिशनल कर सकते हैं। तो बोर्ड ऑब्जेक्टिव, सेक्शुअल ऑब्जेक्टिव, क्लासेस के पेपर और स्कूल के पेपर के ऑब्जेक्टिव, ये सब हो जाने के बाद अगर मौका मिला तो आप एक्स्ट्रा डाइजेस्ट से कर सकते हैं, राइट? जैसे अगेन आई एम टेलिंग यू, मेक श्योर दैट यू अटेंड ऑल द रिविजन एंड डाउट सॉल्विंग सेशन, प्लीज क्लासेस में एक भी रिविजन और एक भी डाउट सॉल्विंग सेशन मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू नॉट मिस दैट। क्लासेस का हो सके तो एक भी प्रीलिम मिस नहीं करना है, हाँ अगर क्लासेस और स्कूल के प्रीलिम्स क्लैश हो रहे हैं तो यू विल गिव स्कूल का प्रीलिम को ज्यादा इंपॉर्टेंस, और मौका मिला तो क्लासेस का प्रीलिम, ठीक है? वो जो नोटबुक था मैंने बताया था, उस नोटबुक में आपको हर सब्जेक्ट के लिए कुछ कुछ चार चार पांच पांच पेज छोड़ने हैं, आप हर सब्जेक्ट को 10-10 पेज दे दीजिए, उसमें आपका प्लानिंग लिखिए कि आप वो सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या रिविजन करने वाले हैं, पहले प्रीलिम में क्या मिस्टेक्स हुआ, सेकेंड प्रीलिम में क्या मिस्टेक्स हुआ, थर्ड प्रीलिम में क्या मिस्टेक्स हुआ, फोर्थ प्रीलिम में क्या मिस्टेक्स, वो सब उस नोटबुक में लिख के रखना है, ताकि आप हर बार जो आपके मिस्टेक्स हुए हैं वो आपको पता रहे मिस्टेक्स, एंड देन उस मिस्टेक्स को आप इंप्रूव कर सके। अगर आपको मिस्टेक्स नहीं पता होंगे तो आप इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है? मिस्टेक्स पता होना जरूरी है। उसी नोटबुक में आप डाउट्स भी लिख के रखिएगा, जो भी आपको डाउट्स हैं वो सब भी लिख के रखिएगा, ताकि वो डाउट्स भी आप क्लासेस में या स्कूल में अपने डाउट्स क्लियर कर सके। आप क्लासेस में सीवाईडी में डाउट्स अपने लिख सकते हैं, टीचर्स को रिविजन लेक्चर्स में आप टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे लेक्चर के पहले या लेक्चर के बाद। प्लीज मेक श्योर कि आप डाउट्स लिख के रखिए, और वो डाउट पूछना है, सिर्फ लिख के नहीं रखना है, वो डाउट्स क्लियर भी करने बहुत जरूरी है, ठीक है? अच्छा, अब देखिए आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, इन केस फिर भी अगर आपको किसी में डाउट है, किसी कोई चीज में आप क्वेरीज हैं, तो डेफिनेटली यू कैन टेक माई नंबर, मेरा नंबर काफी स्टूडेंट्स के पास रहेगा, या फिर ऑफिस आप मेरा नंबर लेके मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पे भी अगर आपको कुछ अटक रहे हैं, कुछ क्वेरी है, तो यू कैन डेफिनेटली सेंड मी अ मैसेज और कॉल मी, आई विल रिप्लाई एंड लाइक गाइड यू। अगर आपको मेरे से मिलना है तो आप ऑफिस से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो वी विल मीट ऑल्सो एंड वी विल डिस्कस ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स, ओके? आई थिंक ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स, एंड होप योर प्रिपरेशन गोज वेरी वेल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।